नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मनोविज्ञान का आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अवधान, अटेंशन। भाई अपन किसी अपने साथ वाले से पूछते हैं, भाई तू कहाँ पे पढ़ाई करता है? वो बोलता है मैं पुस्तकालय में पढ़ाई करता हूँ, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? अपन उससे बोलते हैं भाई घर पे पढ़ लिया कर, तो वो क्या बोलता है? भाई घर पे मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, ध्यान डिस्टर्ब होता है, ध्यान डाइवर्ट होता है। तो इस प्रकार से अटेंशन नहीं रहता है। तो क्यों नहीं रहता है इसकी बात करेंगे अपन कुछ देर के लिए। भाई उसका अटेंशन ध्यान घर पे क्यों नहीं रहता है? जैसे कि अपन समझिए कोई टेबल है, उस टेबल पे पढ़ता है वो, उस टेबल पे एक तरफ किताब है एक तरफ फोन पड़ा, तो उसका ध्यान क्या होगा? फोन चलाने में होगा। वो लाइब्रेरी में फोन नहीं चलाने देते साथी, तो फोन चलाने में होगा। तो वो 1-2 घंटे पढ़ेगा, फिर फोन की तरफ ध्यान जाएगा, फोन की तरफ फोन देखेगा, फिर फोन देख लिया, ऐसी कोई जैसे कोई भी चीज चला ली उसने, फेसबुक चला लिया, यूट्यूब चला लिया, कुछ भी चला लिया, तो उसका माइंड डाइवर्ट होता है। ऐसे ही 3-4 किताबें पढ़ी हैं, इंदगी पढ़ी है और इसकी मनोविज्ञान की पढ़ी है। तो मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहा है, 1 घंटे पढ़ ली, उसके बाद में उसकी हिंदी किताब, क्यों ना हिंदी पढ़ लू। तो इस प्रकार से साथियों, तो उसका मन बीच बीच में डाइवर्ट होता है। ऐसे ही वो पढ़ रहा है, बाहर से किसी ने आवाज मारी, जैसे कि कोई कोई बाहर ऐसे कोई आवाज आ गई, तो कह यार बाहर क्या जा रहा है, देखते हैं, देख, फिर वो बाहर जाएगा, उसका मन डाइवर्ट होगा। हैं, तो इस प्रकार से अटेंशन की डाइवर्ट करने के कई चीज आती हैं, और ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी। जैसे कि अपन कहते हैं ना भाई, वो बाबा जी इतने दिनों से ध्यान मुद्रा में है, तो ध्यान क्या है? वो एक अपने माइंड को एक जगह सेट करता है, मतलब किसी भी विद्यार्थी को सफल पढ़ने के लिए अपने माइंड को स्थिर रखना जरूरी है साथियों। तो इस अटेंशन के बारे में अपने मनोविज्ञान में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले देखो डेफिनेशन, सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन आती है मन की डेफिनेशन, मन की डेफिनेशन, मन मोहदेय की डेफिनेशन आती है सबसे पहले साथियों। मन की डेफिनेशन क्या है? कि अवधान अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है। अवधान अभिप्रेरणा युक्त यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन, अवधान अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है। देखो साथियों, मन मोहदे क्या कहते हैं? कि अवधान मतलब अटेंशन बिना मोटिवेशन के, यानी किसी चीज में आपका मोटिवेशन नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, मतलब आपका आज लक्ष्य कर लिया, भाई आज तो मेरा मोटिवेशन अब है, आज तो 4-5 घंटे पढ़ूंगा। तो क्या होगा साथियों? फिर आप 4-5 घंटे पढ़ोगे तो वो क्या हुआ, वहां पे अटेंशन लगेगा। देखो मेरे बात सुनो, आपको मान लीजिए कोई स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर आपको कोई स्पीच बोलनी है, आपने स्पीच बहुत रट ली, याद कर ली, लेकिन आपका मोटिवेशन ही नहीं है, आप वहां पे जाके धुजने लग जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। क्यों? मोटिवेशन लो है आपका। तो जहां पे मोटिवेशन होता है वहां पे अवधान होता है, वहां पे अवधान होता है यानी वहां पे अटेंशन होती है। ये किसने कहा? मन ने, मतलब अभिप्रेरणा युक्त प्रक्रिया है। जहां पे मोटिवेशन होगा वहां पे अवदान होगा, ये मन की परिभाषा है साथी। अब देखो साथियों, डम्बेल की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, डम्बेल मोदी की ये परिभाषा आप याद करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेतना को दूसरी, चेतना को दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण ही अवधान है। ये देखो साथियों कितनी खूबसूरत परिभाषा है, किसकी? डंबेल की। चेतना को दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, मतलब चेतना है उसका केंद्रीकरण। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे आप दुकान में गए, दुकान में आपने देखा भाई साबुन भी है और चीजें भी हैं, तो आपका आपका जो चेतना है, आपका जो मन है, वो एक ही चीज पर रहना चाहिए। मतलब और कितनी भी वस्तुएं हों, आपका मन एक ही चीज पर रहेगा। आज मुझे मनोविज्ञान की किताब पढ़नी है, तो वो ही पढ़नी है 5 घंटे। तो वो क्या हो गया? वो हो गया अवधान। चेतना को दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है साथियों। चेतना का केंद्रीकरण ही अवदान है। देखो कितनी खूबसूरत परिभाषा है। अब देखो चेतना की प्रकृति क्या है, इस प्रकृति को थोड़ा बढ़िया तरीके से समझेंगे। चेतना की प्रकृति, इसमें से प्रश्न आते हैं,
अब देखो साथी, ये तो एक परिभाषा है, ये दो ही याद रख लेना, यही महत्वपूर्ण है। अब देखो चेतना की प्रकृति के बारे में समझते हैं। चेतना की प्रकृति, किसी चीज को समझने से पहले उसकी प्रकृति, किसी व्यक्ति को समझने से पहले उसकी प्रकृति को देखना कि क्या बिहेव करता है वो, तो चेतना की प्रकृति के बारे में अपन समझते हैं दोस्तों। देखो अवधान चयनात्मक प्रक्रिया है, अवधान चयनात्मक प्रक्रिया है। देखो साथियों अवधान क्या है, चयनात्मक प्रक्रिया है। अवधान चयनात्मक प्रक्रिया कैसी है, अभी मैंने बताया ना, जैसे इस जगह किसकी आएगी, इस जगह आएगी डंबेल की परिभाषा को देखिए आप, मतलब दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर, मतलब चयनात्मक, मतलब आपको कई वस्तुओं में से एक वस्तु को चयन करना पड़ेगा, तो चयनात्मक प्रक्रिया है अवधान, मतलब कई वस्तुओं में से एक वस्तु को आपको चयन करना पड़ेगा, अवधान चयनात्मक प्रक्रिया है। अवधान क्या है, चयनात्मक प्रक्रिया। जैसे कि कई किताब पढ़ी, नहीं आज तो मैं लक्ष्य बनाई के जाऊंगा भाई, अटेंशन मेरा साइकोलॉजी की किताब पे रहेगा। तो इस प्रकार से अवधान क्या है साथियों, चयनात्मक प्रक्रिया है अवधान। अवधान में खोज वह अन्वेषण का गुण होता है, अवधान में खोज अन्वेषण, अन्वेषण खोज व अन्वेषण का गुण होता है। अब देखो साथियों अवधान में खोज व अन्वेषण का गुण होता है, यानी अवधान वस्तुओं को खोज लेगा भाई, अवधान उन वस्तुओं को खोज लेगा जिन पर उनका ध्यान केंद्रित करना है, मतलब आपको किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास में कई बच्चे हैं, तो कई कई बच्चे रहते हैं जिनका जिन पे ध्यान ज्यादा जाता है, तो अवधान की यही प्रक्रिया होती है साथियों, खोज की प्रक्रिया होती है, मतलब अवधान कई वस्तुओं से एक को खोज लेगा, मतलब उस पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो अवधान की क्या है, खोज व अन्वेषण का गुण होता है अवधान में, और अवधान हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। देखो कोई सी भी चीज होगी बिना उद्देश्य के नहीं रहेगी साथियों, अवधान हमेशा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है, उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। देखो साथियों अवधान जो अटेंशन है वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के किसी भी वस्तु पे आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपका उद्देश्य, आप रेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा तो क्या आप पढ़ोगे, शायद मेरे को तो नहीं लगता आप पढ़ोगे। तो अवधान हमेशा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया साथियों, अटेंशन हमेशा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, चेतना की प्रकृति, और अपन देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखो भाई अवधान की प्रकृति अपन पढ़ रहे हैं, अवधान की प्रकृति चेतना नहीं अवधान, सॉरी यहां पे गलती हो गई, अवधान, अवधान भाई यहां पे तो अवधान ही लिख रखा हूं, अवधान की प्रकृति, अवधान की प्रकृति अपन पढ़ रहे हैं। अवधान में चयनात्मक प्रक्रिया है, अवधान में खोज अन्वेषण का गुण होता है, अवधान हमेशा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब आगे देखो भाई अवधान की प्रक्रिया में, प्रकृति में आगे देखो साथियों, अवधान की जो प्रकृति है, अवधान में मानसिक तत्परता रहना आवश्यक है, आवश्यक है, ये भी अवधान की प्रकृति है, अवधान में मानसिक तत्परता का रहना आवश्यक है, मतलब आपका मानसिक संतुलन रहना, मानसिक तत्परता रहना, मतलब आपका मन विचलित नहीं होना, उसका भी वो भी अवधान के लिए जरूरी है। अवधान में क्या होता है, मानसिक तत्परता का रहना आवश्यक है, ये इसकी प्रकृति है, अवधान में मानसिक तत्परता रहना आवश्यक है साथियों। अब देखो विशेष शारीरिक मुद्रा, विशेष शारीरिक मुद्रा, अब देखो अवधान मतलब अटेंशन लगाते समय, आप सोते सोते अटेंशन तो नहीं लगा सकते हो, अटेंशन आपका किसी चीज में ध्यान, अवधान लगाना है किसी चीज में, जैसे कोई साधु महाराज है वो ध्यान केंद्रित करते हैं, अवधान केंद्रित अटेंशन करते हैं एक चीज में ध्यान, तो उनकी क्या मुद्रा रहती है, उनकी ये मुद्रा रहती है, आप पढ़ते हो तो आपकी एक चेयर पे बैठ के बढ़िया तरीके से वो
ध्यान लगाने की एक अपनी अलग से मुद्रा रहेगी, विशेष शारीरिक मुद्रा होती है अवधान में। साथियों इंपोर्टेंट बात है, विशेष शारीरिक मुद्रा होती है अवधान में। अब देखो अवधान में अस्थिरता रहती है, अवधान में अस्थिरता रहती है, अवधान स्थिर नहीं रहता। साथियों मतलब अभी आपका ध्यान है और फिर मन तो चंचल होता है, फिर आपका ध्यान हट जाता है किसी चीज से, तो अवधान में अस्थिरता रहती है। साथियों अवधान में क्या रहती है? अस्थिरता। अब अवधान में विभाजन का गुण है, विभाजित होता है, अवधान में विभाजन का गुण है, विभाजन का गुण है, अवधान विभाजित होता है। आज अभी इस चीज पे है, फिर दूसरी चीज पे ध्यान होगा, ऐसे ध्यान हमेशा विभाजित होता है। एक जगह हम ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान में विभाजन का गुण होता है, वो विभाजित होता रहता है। तो अवधान में अस्थिरता रहती है, अवधान में विभाजन का गुण रहता है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों गुण रहते हैं। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक भाई, अवधान में विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक यानी टुकड़ों में बंटता है अवधान, और एक जगह मतलब विश्लेषणात्मक का क्या अर्थ हो गया? टुकड़ों में विभाजित होना, और संश्लेषणात्मक का टुकड़ों को जोड़ लेना एक साथ। तो क्या होता है, अवधान जैसे अलग अलग चीजों पर विभाजित होएगा, और फिर एक चीज में भी कभी एक चीज पे लग जाएगा, कभी अलग अलग चीज पे आपका ध्यान रहेगा, इस पे जाएगा उस पे। तो संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक गुण रहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी अवधान रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये समझो कैसे भाई अवधान सकारात्मक कैसे है, जैसे आप किसी एक चीज में ध्यान लगाए तो अलग और चीजों से आपका ध्यान हट गया, यानी और चीजों से आपका ध्यान हटना नकारात्मक, और सकारात्मक क्या, एक चीज पर ध्यान लगना सकारात्मक। मतलब किसी और चीजों को तो आप इग्नोर कर रहे हो, ये नकारात्मक हो गई एक दृष्टि से तो, और एक दृष्टि से अगर आप एक ही चीज में ध्यान दे रहे हो तो सकारात्मक। जैसे कि मनोविज्ञान की किताब है और हिंदी किताब है, आप मनोविज्ञान की पढ़ रहे हो तो एक दृष्टि से देखें तो आप हिंदी को नजरअंदाज कर रहे हो, मतलब हिंदी नहीं पढ़ रहे, तो क्या हुआ नकारात्मक। एक देखें तो आप पहले इसको इस पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से, तो ये सकारात्मक। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों इसमें गुण होते हैं साथियों अवधान में, और अवधान का विस्तार सीमित होता है। अवधान का क्या होता है? विस्तार सीमित होता है, अवधान का विस्तार सीमित होता है, अवधान का विस्तार सीमित होता है। अटेंशन आप एक विस्तार सीमा तक ही लगा सकते हो, एक इसकी एक सीमा होती है, उस तक ही आप ध्यान लगा सकते हो, 4 घंटे किसी चीज को, 5 घंटे, फिर उसका आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। तो अवधान का विस्तार सीमित होता है। कुछ बातें और रह गई हैं, वो कल करेंगे आप। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।